हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब मंच में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक पैंट की कटिंग जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, कटिंग करने से पहले चलिए मेजरमेंट को देख लेते हैं जिस हिसाब से हम पैंट को काटने वाले हैं। पैंट की लंबाई है 38 इंच, कमर 36.5 इंच, हिप है 41 इंच, घुटना है 25.5 इंच, थाई है इसका 24.5 इंच, काफ है इसका 17 इंच, मोड़ी है इसका 14 इंच और लटक है इसका 25.5 इंच। तो पैंट का कपड़ा हमने एक पीस ले लिया है और इसे उल्टा करके हमें बिछा लेना है। दोस्तों, कपड़े को हमने उल्टा करके बिछा लिया है। सबसे पहले सीधा स्केल लेना है और सीधा स्केल की मदद से इस कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। पैंट की लंबाई है 38 इंच, आधा इंच माइनस करके हम 37.5 पे मार्का लगा लेते हैं। मोड़ी के लिए रखेंगे 1.5 इंच क्योंकि तुरपाई नहीं है। 37.5 इंच। अब इस मार्के को हमें सीधा कर लेना है। मार्का हमारा सीधा हो गया। दोस्तों, अब लगाना है लटक का नाप। लटक है हमारा 25.5 इंच, 25.5 का हाफ कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 13.5 इंच। 3 इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा 3 इंच का बेल्ट होता है, 1.5 इंच आगे और 1.5 इंच पीछे, तो 13.5 से 3 निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 10.5 इंच। 10 का मार्का लेंगे। अब इस मार्के को हमें सीधा कर लेना है। दोस्तों, चलिए 20 सेंटर का नाप लगा लेते हैं। 20 सेंटर का नाप लगाने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। जितना हमारा हिप होता है उसका चौथाई हिस्सा लिया जाता है और उसमें 2.5 इंच प्लस करके 20 सेंटर का मार्का निकाल लिया जाता है। तो हिप हमारा 41 इंच, चौथाई हिस्सा हुआ 10.5 इंच, 2.5 इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 13.5 इंच। किनारी की तरफ 2 सूत छोड़ देंगे तो 13 पे मार्का हम लगा लेंगे। दोस्तों, अब इस मार्के को हमें सीधी फंडी की मदद से सीधा कर लेना है। ये हमारा सीधा हो गया। लटक वाले नाप से नीचे हम लेंगे 7 इंच का नाप, यहाँ पे हमारे घुटने का नाप होगा, और मोड़ी वाले नाप से 11 इंच ऊपर हम एक नाप लेंगे, वहां पे रखेंगे अपने काफ का नाप। दोस्तों, मोड़ी हमारा 14 इंच, 14 का हाफ करके मार्का लगा लेंगे। दोस्तों, काफ है हमारा 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे 8.5, 4.25 इधर देंगे और 8.5 पे इधर रखेंगे। दोस्तों, घुटना हमारा 20.5 इंच, 20.5 का हाफ करके यहाँ पे मार्का लगा देंगे। 5 इंच 1 सूत, 10 इंच 2 सूत। दोस्तों, 20 सेंटर का मार्का हमने लगाया था 13.5 इंच, तो 13.5 का यहाँ पे हम मार्का उठा लेंगे। डेढ़ इंच आगे फ्लाई के लिए हो जाएंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच छोड़ के मार्का ले लेना है। ये मार्का हमारा सेम जाके उस पर मिलेगा। अगर आप चाहें तो अनुमान से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, कमर है हमारा 36.5 इंच, 1 इंच प्लस करके मार्का लगाएं 10 इंच 1 सूत। दोस्तों, मार्का लग के हमारा कंप्लीट हो गया। अब राउंड वाले स्केल से इस मार्के को हमें मिला लेना। दोस्तों, मार्का लग के हमारा कंप्लीट हो गया और इसी हिसाब से हमें इसे कटिंग कर देना है। दोस्तों, फ्रंट हमारा कट के तैयार हो गया। अब चलिए चलते हैं बैक की तरफ। दोस्तों, अब इस मार्के से हमें देखना है किनारी की तरफ कि हमारा आ कितना रहा है। जितना हमारा यहाँ पे आएगा उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है, तो हमने ये बराबर करके रख लिया है। अब इस मार्के को हमें मार्के से उठा लेना है।
दोस्तों यहां से हम 200 डाउन करके रखेंगे इस मार्के को। बैक के लिए फ्रेंड से 1.5 इंच ऊपर करके मार्का लगाएंगे। ये हमारा मार्का हो गया दोस्तों। मोड़ी के पास में रखेंगे 1.5 इंच, काफ के पास भी रखेंगे 1.5 इंच, घुटने के पास रखेंगे 1.25 इंच और लटक के पास में रखेंगे 2.5 इंच। आधा इंच पीछे का भी मार्का लेंगे और यहाँ से अपने कमर का नाप लगाएंगे। 36.5 का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच एक सूत और आधा इंच हमारा दबाव, यानी 9.5 इंच एक सूत, 1 इंच का हमारा डॉट और 2 इंच हमारा इस मार्का होगा। दोस्तों चलिए हिप का मार्का लगा लेते हैं। हिप का मार्का लगाने का तरीका आपको बता देते हैं। जितना आपका हिप होगा उसमें 4.5 इंच प्लस कर दीजिएगा। हिप है हमारा 41 इंच। फ्रंट आ रहा है हमारा 11 इंच। 11 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, और हमें चाहिए 45.5 इंच, यानी हमारा 1.5 इंच कम हो रहा है, तो 0.25 हम आगे बढ़ाएंगे मार्का लगा देंगे। अब इस मार्के को हमें सीधा कर देना है। दोस्तों मार्का हमारा लग के तैयार हो गया। अब इसी हिसाब से हमें कटिंग कर देना है। दोस्तों बैक फ्रंट हमारा कट के तैयार हो गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा।